गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए लैक्मी का ये लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विथ हाइलाइटर क्रीम की रिव्यू लेके। तो ये जो क्रीम है ना, एक्चुअली एक मॉइस्चराइजर है। ये इसी साल लॉन्च हुई है एज फार आई नो। एंड ये क्या करेगी गाइज, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, ऑल्सो आपकी स्किन पर एक हाइलाइटिंग इफेक्ट देगी, जस्ट लाइक आफ्टर अप्लाइंग योर हाइलाइटर। मतलब हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जितना ग्लो करती है, जस्ट लाइक दैट ये भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, ऑल्सो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, बिकॉज ये एक एक्चुअली मॉइस्चराइजर है। ठीक है, तो इसकी प्राइस जो है 299 रुपीज, बट ऑब्वियसली ये आपको डिस्काउंट में मिलेगी, चाहे आप ऑफलाइन बाय करो या फिर ऑनलाइन। इसकी क्वांटिटी जो है 30 ग्राम, एंड ये कुछ इस तरह के ट्यूब फॉर्म में है जो ट्रैवलिंग के लिए काफी अच्छी है। इसके अगर शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ के साथ आती है। ऑब्वियसली ये 2-3 महीने में खत्म हो जाती है। एंड ये एक मॉइस्चराइजर है, बट ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीजी या फिर चिपचिपा या फिर ऑयली कुछ भी नहीं बनाती है। एट द सेम टाइम ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। तो अभी मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसकी अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, नॉर्मल क्रीम जैसे होती है उस तरह की है, लोशन टाइप का नहीं है, क्रीमी कंसिस्टेंसी में ही है, बहुत ही स्मूथ है। कलर की अगर बात करें तो हाइलाइटिंग इफेक्ट इसमें दिख रही है, और इसकी कलर जो है ना पिंक कलर है। तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो फेस की इस साइड में मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस नजर आए। ठीक है, तो मेरी फेस अभी बिल्कुल बेयर है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी मेकअप नहीं है, जस्ट मैं फेस को वॉश करके आ गई। एंड या एज यू कैन सी द हाइलाइटिंग इफेक्ट गाइस। तो विंटर के लिए जो लोग सोचते हैं कि यार मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी तो स्किन ऑयली दिखेगी, डार्क दिखेगी, पैची सा हो जाएगी, चिपचिपा हो जाएगी, तो अब आपको इस तरह की डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ मेकअप की काम भी करेगी, ऑल्सो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, ऑल्सो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ग्रीजी या फिर ऑयली नहीं बनाएगी, डार्क तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। सो यहाँ पर आप इफेक्ट देखिए गाइस, यहाँ पर स्किन काफी पिंकिश लग रही है एंड ग्लो भी कर रही है, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। ये एरिया बिल्कुल मैट लग रही है एंड यहाँ पर काफी शाइनी हो गई है। तो ये एक तरफ से मॉइस्चराइजर भी है, स्किन पर हाइलाइटिंग इफेक्ट भी देगी, जिसे आप एज योर हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। मेकअप के बाद आप एज योर क्रीम हाइलाइटर इसे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया तो नेचुरल हाइलाइटर की तरह काम करेगी, जब बिल्कुल नेचुरल लगेगी। ऑल्सो एज योर स्ट्रोब क्रीम भी काम करेगी, मतलब आप चाहो तो मेकअप से पहले इसे अप्लाई कर लो एज योर प्राइमर, एज योर मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर मेकअप करो तो स्किन काफी, मतलब मेकअप काफी ग्लो करेगी। एज योर स्ट्रोब क्रीम भी ये काम करेगी। एज यू नो की स्ट्रोब क्रीम जो होती है काफी महंगा होती है, तो कम कॉस्ट में ये काइंड ऑफ स्ट्रोब क्रीम का भी काम करेगी। तो गाइज काफी अच्छी प्रोडक्ट है, आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। एंड अगर ऑयलीनेस या फिर चिपचिपानेस की बात करें, ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली या फिर चिपचिपा नहीं है। ये जो है ना गाइज हाइलाइटर है ओनली, ये ऑयलीनेस नहीं है। ठीक है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसकी बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको भी अगर कोई प्रोडक्ट की रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो जरूर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।